Hello students, I hope you guys are doing great. A lot of students have actually requested for some strategy for verbal ability. अब जब verbal ability की strategy की बात करते हैं कि scores अगर increase करना है तो क्या करना चाहिए, भाई RC की strategy अलग होने वाली है and जो आपके para jumbers होता है या para summary होती है उनकी strategy अलग होने वाली है. So what I have done is in this series of videos, मैं हर अलग अलग area पे अलग video बनाऊंगा strategy पे and today's video is focusing on पैरा समरी. सो पैरा समरी में अगर आप तीन आइडियाज पे फोकस करते हैं, आई एम टेलिंग यू, यू विल अचीव 100% एक्यूरेसी. इनफैक्ट आउट ऑफ ऑल द एरियाज, पैरा जंबल, पैरा समरी और सेंटेंसेस, इन सब में जो आप 100% एक्यूरेसी सबसे इजीली अचीव कर सकते हो, दैट इज पैरा समरी. सो लेट्स गो अहेड, ओके, एंड चेक दिस स्ट्रैटेजी वीडियो इन डिटेल. आई एम गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन ऑफ अ प्रीवियस कैट पेपर ऑल्सो, ताकि मैं आपको स्ट्रैटेजी के साथ उसका लाइव एप्लीकेशन भी इस वीडियो में बताऊंगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ. अ क्विक रिमाइंडर guys is to subscribe the channel, okay, make sure ki aap bell icon bhi daba dete ho, and if you like the content please press the like button as well, okay, great. So first thing first, agar aap overall weightage bhi dekhoge, so overall humko dikh raha hai ki para summary pe 3 se 4 question aate hain, second most important, okay, is para summary, okay, sorry para jumbers pe aapko 3 se 4 question aa raha hai, para summary pe 2 se 3 questions aa rahe hain. So para summary pe to aap definitely 100% accuracy ke sath ye 2 se 3 jitne bhi questions hai sab ke sab write kar sakte ho. To karna kya hai, dekho, किसी भी पैरा समरी के क्वेश्चन को जब आप रीड करते हो ना, सो दैट एंटायर पैराग्राफ विल हैव एट मैक्स, मैक्स टू मैक्स होगा, तो उसके अंदर 3 आइडियाज होंगे. मैक्सिमम यही होता है कि 3 आइडियाज ही होते हैं वहां पे, जिसको हम कह सकते हैं जैसे ए बी सी, या आप 1 2 3 बोल लो, कि आइडिया नंबर 1, आइडिया नंबर 2, आइडिया नंबर 3 एट मैक्स. ओके, हमने नहीं देखा है कि 4 आइडियाज, 5 आइडियाज एक पैराग्राफ में होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमने नॉर्मली नहीं देखा है. नाउ द पॉइंट इज दिस, कि बाकी जितने भी सेंटेंसेस यूज होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पैराग्राफ जो होगा वो एक 10-12 लाइन का होगा, 3 आइडियाज के बाद जो भी आपके जो दूसरे सेंटेंसेस हैं, दे आर ऑल सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स. सो इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट समरी, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दीज 3 मेजर आइडियाज, ये ए बी सी, ये 3 आइडियाज कौन से हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. इसको भी हम आपको बता देंगे एग्जांपल के थ्रू, जैसे मैंने कहा कैट 2015 का मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, जहां पे आपको मैं बताऊंगा. तो अगर आप देखोगे, आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ यू हैव टू पैराफ्रेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि समरी में वो 3 आइडियाज को अलग वर्ड्स में दिया होगा. ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा बहुत वोकैबुलरी का इंप्लीकेशन भी आ रहा है, कि अगर आपको पैराफ्रेजिंग के लिए दूसरे वर्ड्स यूज करना है तो आप कौन से वर्ड्स की क्या मीनिंग है, ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए. तो यस, आइडेंटिफाई द मेन 3 आइडियाज इन अ पैराग्राफ, उसको रिफ्रेज करके कौन से अलग अलग तरीके से इसको रिफ्रेजिंग की जा सकती है, और वो रिफ्रेजिंग के बाद आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना है, ताकि आप ए बी सी तीनों चीज वहां पे चेक कर सको. ओके, ग्रेट. सो लेट्स टेक अ एग्जांपल. सो यू कैन पॉज द वीडियो फॉर नाउ, रीड द क्वेश्चन, रीड द पैराग्राफ, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, यू कैन आइडेंटिफाई योर आंसर, और फिर जब मैं इसके आगे सॉल्यूशन दूंगा तब आप वीडियो को जो है हटा के आप उसको आगे का पार्ट देख सकते हो. सो लेट्स गो अहेड. नाउ इफ यू रीड दिस, ओके, देयर आर 4 डिफरेंट पैराग्राफ, 4 डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू सी हियर. अब मैं इसको यहाँ पे पहले अच्छे से रीड करके इसके जो मेन 3 आइडियाज हैं, यानी कि ए बी सी जो 3 आइडियाज हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. इफ आई गो अहेड विद दिस, ओके, सो नॉर्थ अमेरिकन वॉलनट फिनिक्स, ओके, मॉथ कैटरपिलर, सो बेसिकली ये कैटरपिलर की कैटेगरी के नाम दिया उन्होंने, उनका एक अलग से भी नाम दिया है. दे लुक लाइक ईजी मील्स फॉर बर्ड, ओके, सो बट दे हैव अ ट्रिक अप देयर स्लीव्स, दे प्रोड्यूस विशेस दैट साउंड लाइक बर्ड अलार्म कॉल्स, स्कैरिंग पोटेंशियल प्रीडेटर्स अवे. इन शॉर्ट, ये इन्होंने जो कैटरपिलर्स की बात की है, ये देखने में आपको लगेगा इट्स ए ईजी मील फॉर द बर्ड्स, बट इनके पास एक ट्रिक है. ओके, क्या ट्रिक है, कि वो कोई ऐसे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया दे प्रोड्यूस विसल्स, इफ यू सी हियर, ओके, दिस इज वेयर दे हैव मेंशनड, दे प्रोड्यूस विसल्स, ओके, सो विसल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. विसल किस तरीके की होती है, कि बर्ड अलार्म कॉल्स कहा जाता है उसको, जो कि बाकी प्रीडेटर्स को भी काफ़ी स्केयर कर देती है. एट फर्स्ट, ओके, स्टार्टिंग में क्या हुआ, कि साइंटिस्ट ने सस्पेक्ट किया दैट बर्ड्स वर सिंपली स्टार्टेड बाय द लाउड नॉइज, ओके, बट अ न्यू स्टडी सजेस्ट दैट अ मोर सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म, द कैटरपिलर्स विसल अपीयर्स टू मिमिक अ बर्ड अलार्म कॉल, सेंडिंग एवियन प्रीडेटर्स स्क्रैम्बलिंग फॉर कवर. इन शॉर्ट, अगर आप देखोगे द सेम आइडिया जो ऊपर उन्होंने दिया है ना, वही सेम आइडिया उन्होंने वापस रिपीट किया है यहाँ पे. व्हाट दे हैव, हाउ दे हैव रिपीटेड, दे हैव रिपीटेड कि भाई पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे, बाद में उन्होंने ये सोचा. इन शॉर्ट, ओके, इट इज ओनली टॉक अबाउट द सेम आइडिया, कि ये जो कैटरपिलर्स हैं, दे वर ईजी मील्स, ओके, जो कि बहुत ईजिली इनको कोई भी खा सकता था, लेकिन इनके पास एक ट्रिक है कि वो कुछ एक विसल प्रोड्यूस करते हैं, और वो विसल कैसी होती है, वो एक बर्ड अलार्म कॉल होती है. ओके, नाउ व्हेन पेक्ड बाय अ बर्ड, द कैटरपिलर विसल बाय कंप्रेसिंग देयर बॉडीज लाइक एन ऑक्टियन
एंड फोर्सिंग एयर थ्रू देयर स्पेशलाइज होल्स इन देयर साइड. सो नाउ दे आर सेइंग दैट कि भाई ये जो आवाज़ निकालते हैं ये किस तरीके से निकालते हैं, कैसे एयर पास आउट हो रही है. ओके, दे हैव टोल्ड यू ऑल ऑफ दिस. नाउ द विसल्स आर इम्प्रेसिवली लाउड. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो विसल होती है किस टाइप की होती है, ये इम्प्रेसिवली लाउड होती है, काफ़ी तेज आवाज़ होती है. दे हैव बीन मेजर्ड एट ओवर, ओके नाउ दे हैव गिवन यू द डेसिबल्स फॉर इट, ओके, फ्रॉम कैटरपिलर, कंसिडरिंग दे आर मेड ऑफ अ 2 inch लॉन्ग इंसेक्ट. ओके, यानी कि एक बहुत छोटा सा इंसेक्ट है लेकिन वो इतनी ज़्यादा आवाज़ क्रिएट कर पा रहा है. ओके, सो इफ़ यू सी द मेन आइडिया, इट इज़ नथिंग बट द कैटरपिलर. ओके, नो दिस लुक्स लाइक अ ईजी मील बट दे आर नॉट. ओके, क्यों नहीं, बिकॉज दे हैव अ ट्रिक. क्या ट्रिक है? दैट दे प्रोड्यूस विसल्स, ओके, दैट साउंड लाइक बर्ड अलार्म कॉल्स, जो कि काफ़ी बाकी जो प्रीडेटर्स हैं उनको भी डरा देता है. और ये जो आवाज़ है ये काफ़ी लाउड होती है फॉर अ स्मॉल साइज एनिमल. In short, this is what the paragraph is talking about. So you can say this as A, B, C. Okay, these are the 3 major ideas. बाकी जितने भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे यूज़ किए, which is just supporting, you know, sentences that they've used. But the major idea is only these 3. So now what you have to learn from this, that any para summary question that you read, always write down, okay, that this is the 3 main ideas which is discussed in this particular paragraph. There can be a case jahan pe sirf 2 ideas bhi honge, but more than 3 ideas is very rare. Alright, so let's go ahead with this. Okay, so these are the 3 ideas. Now if I have the options in front of me, yahan pe hum kaise check kar sakte hain ki kaun sa option correct hai. Okay, let's go ahead. Now if I read the first paragraph, okay, so first option here, okay. So the first option here, okay, tells me this. Okay, let me go ahead. Okay, so it tells me North American walnut, okay, you know, Phoenix, so they have told you the caterpillar, will whistle periodically to ward off the predator birds. अब यहाँ पे आपको कहीं पे भी, इनफैक्ट आप देखोगे पीरियोडिकली ये वार्ड ऑफ होगा, ओके, इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. ओके, एंड दे हैव अ स्पेशलाइज्ड वोकल ट्रैक, ओके, दे हेल्प देम विसल. सो इफ यू सी द मेन 3 आइडियाज, नन ऑफ देम इज डिस्कस्ड हियर. ना यहाँ इन्होंने बात की है कि यू नो दे वर ईजी मीन्स, ओके, ना उन्होंने ये बात की है कि अलार्म कॉल है, लाउडनेस है. नन ऑफ दीज 3 मेन आइडियाज आर डिस्कस्ड. सो डेफिनेटली दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन आउट देयर. इफ आई गो विद द सेकंड ऑप्शन, फिर से उन्होंने यही बात की कि कैटरपिलर्स कैन विसल वेरी लाउडली, विच इज द थर्ड आइडिया. जो अगर आप देखोगे कि हमने यहाँ पे लाउडनेस की जो बात की थी, दिस इज द थर्ड आइडिया. सो दे कैन विसल वेरी लाउडली, द लाउडनेस ऑफ देयर विसल इज शॉकिंग एज दे आर वेरी स्मॉल इंसेक्ट. सो दे आर कवरिंग ओनली 1 part ऑफ द 3 आइडियाज, कि सिर्फ और सिर्फ जो उनकी लाउड वॉइस है, दे आर ओनली कंसिडरिंग दैट पार्ट. सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज दे आर ओनली मैंशनिंग द थर्ड आइडिया. ओके, दे आर नॉट कंसिडरिंग ऑल द 3 आइडियाज. सो ये भी रॉन्ग हो गया. Now here if I go with this, okay, North American walnut, Phoenix again, okay, caterpillar, in a case of acoustic deception, okay, produce whistle that mimic bird alarm calls to defend themselves. अपने आप को बचाने के लिए. ये deception का मतलब ही क्या होता है? ये deception ये कि वो trick, the word trick जो था ना, trick को उन्होंने दूसरा word use किया, deception, जो वो easy meal थे, but वो easy meal नहीं है. क्यों? क्योंकि ये trick करते हैं. ओके, ट्रिक कैसे करते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस अ मिमिक बर्ड अलार्म कॉल्स. सो हियर यू सी, यहाँ पे उन्होंने जो लाउड वॉइस है उसको कंसीडर नहीं किया, बट दे हैव कंसीडर्ड ए एंड बी आइडिया. द फर्स्ट 2 आइडिया दे हैव कंसीडर्ड हियर. आई डोंट सी द सी आइडिया फॉर नाउ, बट आई विल कम टू दिस. ओके, इसको मैं नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करूंगा. अगर वहाँ पे मुझे ए, बी और सी तीनों आइडिया दिख रहा है, देन आई विल मार्क दैट. सो इफ आई गो अहेड विद दिस, ओके, एंड इफ यू रीड दिस, नॉर्थ अमेरिकन अगेन द कैटरपिलर्स, इन अ केस ऑफ डिसेप्शन, विच इज द सेम थिंग हियर, and camouflage. Now here it is important कि आपको word की meaning भी पता होना चाहिए. Camouflage, okay? And camouflage produce whistles that mimic bird alarm calls to defend themselves. If you see option number 3 and 4, यहाँ पे ये दो option काफ़ी close options हैं, okay? And this happens with a lot of students कि वो दो options के बीच में हमेशा confused होते हैं. So if you see, okay, option number 3 and 4, there's only one difference majorly here is the word camouflage. Now you should know the meaning of the word camouflage. Camouflage का मतलब होता है changing colors, okay? जो हम कहते हैं ना कि situation के हिसाब से अपने आप को change कर दिया उसने, या just to blend yourself with the surrounding, okay? जैसे रंग बदलू गिरगिट हम कहते हैं, okay, like that. So camouflage वाली चीज़ तो यहाँ पे birds के साथ नहीं हो रही, कि इनसे ये caterpillars नहीं कर रहे हैं कि अपने color बदल दे रहे हैं, okay? Just because they want to to be in that impression that if it's a brown background then they have turned themselves brown ताकि वो बच जाएंगे, ऐसी तो कोई चीज़ ये कर नहीं रहा. सो ये तो completely out of context हो गया. The other part, okay, of option number 4 is definitely right, but they have added the word camouflage which is making this option irrelevant.
And that's why the most closest summary of all the four is option number 3. Though आप अभी भी कह सकते हो कि सर option number 3 में तो third idea नहीं आया है, लेकिन अगर आप बाकी options के सामने compare करोगे, the most closest summary that you can have is option number 3, which is covering the out of the 3 ideas, 2 ideas जो हैं उन्होंने इसको कई अच्छे से cover किया है. So yes, that is why I will mark option number 3 in this. So that's what you have to go ahead. That आपको जब इस चीज़ की practice करनी है, mainly work on identifying the 3 ideas और उन 3 ideas को अपने अपने options में एक एक चीज़ें check करो कि भाई कौन से option में कितने ideas हो रहे हैं. किसी में एक हो रहा होगा, किसी में दो हो रहा होगा, किसी में 3 हो रहा होगा, किसी में कुछ irrelevant आ रहा होगा. Your job is this, जो भी option में maximum amount of ideas cover हो रहे हैं, that is the perfect summary. Okay, of that particular paragraph. So that is the strategy. Please go ahead, okay, and apply this in your mocks. Okay, please go ahead and apply this in your practice. ज़्यादा से ज़्यादा practice करो, apply करो. जब आप ये सब चीज़ करोगे, only then your scores will increase. All the best and keep following more videos in this series of how to increase your score in verbal ability. All the best.